नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हम लोग दीदी को 10 सूत्री मांग पत्र दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और दीदी से उम्मीद भी करेंगे। अभी दीदी तो सारा बात हम लोगों को बता दिए हैं। समिति लोग आई हुई है, ये लोग क्या डिमांड है इन लोग की और आप क्या आश्वासन दिए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज झारखंड जो है पोषण सखी संघ जो है एक कार्यक्रम यहाँ पर किया, इनकी 10 सूत्री मांगे हैं। लेकिन 10 सूत्री मांगों में सबसे जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो है मानदेय की। जनरली आप जब भी देखेंगे तो मानदेय ही एक बड़ा जो है मुद्दा होता है। उसके बाद जो है बीमा योजना की, सहियाएँ सेविकाएँ जो इनके साथ काम करती हैं उनको बीमा लाभ मिलता है, लेकिन पोषण सखियों को बीमा लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, 10 सूत्री मांगे हैं, और यहाँ पर मैं आज से प्रयासरत रहूँगी कि इनकी बातों को जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँ कि जो लाभ बाकियों को मिलना शुरू हो गया है वो अभी इससे ये वंचित है। तो हर सरकार ने हमेशा जो है कर्मचारियों का या उनके यही प्रयास रहता है कि उनको बेहतर लाभ कैसे मिले, कोई भी सरकार उनको बेहतर लाभ कैसे दे, तो इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। इन्होंने बोला कि 3,000 रुपये मंथली में ये लोग सारा काम अपना पेमेंट से लेकर के जो बच्चे लोग का पोषण का ये सारा काम करती हैं, तो कैसे ये लोग कर पाती है, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इस पे आज मांगे सबमिट जो है इन्होंने जो है दी हैं। अब इस पे आगे जो है हम लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे कि इसको आगे कैसे रखना है। फिलहाल जो है जो भी मानदेय है ये इनको कम लगता है, इस पे आगे सरकार क्या अपना निर्णय लेती है उनके आगे बात रखते हैं हम। पहले तो हम खुद यहाँ पर बैठ के अध्यक्ष जी से बात करेंगे इसमें कि 10 सूत्री मांगों में जो है, जैसा कि अध्यक्ष जी पहले ही बोल चुके, सबसे महत्वपूर्ण जो है मानदेय और बीमा लाभ है कि वो सबसे पहले मिलना चाहिए। बाकी सब बातें तो फिर भी बाद में होती रहेंगी, और स्थायीकरण को लेके भी है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जैसे और मैंने कहा कि सत्याग्रह एक ही बार में आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, एक एक करके हम एक एक करके मांगे आगे रखते जाएंगे। और निश्चित तौर पर ये सरकार जो है, क्योंकि सहानुभूति रखती है, तो निश्चित तौर पर ये सरकार जो है इसका कोई ना कोई निराकरण जरूर करेगी। आपने देखा है कि मोदी जी की सरकार बनने से पूर्व जिस प्रकार देश से वादा किया गया था, उस समय में 395 रुपये जब रसोई गैस का कीमत था, तो किस प्रकार इन लोगों ने रोड पर आकर के जनता से इन लोगों ने वादा किया था कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। आज स्थिति देश में ये है कि देश के नौजवान, देश के किसान, देश के बेरोजगार, देश के युवा, सारे लोग, पूरा देश परेशान है। सभी लोगों की नौकरी चली गई, किसी का रोजगार खत्म हो गया। आज देश के किसान सड़कों पे हैं, शीतलहर में भी। लेकिन मोदी की सरकार जिस प्रकार इन लोगों ने कहा है कि आपदा में अवसर, उस आपदा में अवसर का मतलब ये निकाला गया है कि पिछले 15 दिनों के अंतराल में 2 बार रसोई की गैस में कीमत बढ़ी और 100 रुपये का बढ़ोतरी अचानक हो गया। पेट्रोलियम में रोज प्राइस हाई कर रहा है, करते करते आज स्थिति धनबाद में आप देख लीजिए कि 83 रुपये से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। कहीं कहीं देश में 94-95 रुपये तक पेट्रोल बिक रहे हैं, यानी कि शतक लगाने को ये तैयार है। यही लोग कहते थे कि जहाँ की अर्थव्यवस्था डॉलर की कीमत से मोदी प्रधानमंत्री का एज से ऊपर चला जा रहा है, आज स्थिति यह है कि डॉलर से लेकर के हर चीज़ का प्राइस आज हर के उम्र से ऊपर चला गया। उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज, हम लोग धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया, और मांग करते हैं कि जिस प्रकार पेट्रोल के और पेट्रोलियम पदार्थों में और रसोई गैस में जो अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, उसका दाम अविलंब कम करें, और देश के नौजवान, किसान, सभी लोग जिस प्रकार त्राही माम है, आज ये चरितार्थ हो रहा है कि जिस प्रकार कहा जाता था हिटलर के द्वारा कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहने को भी अपना वो किस्मत समझ रहे, आज वही स्थिति भारत में है। और उसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर करके हम लोगों ने आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया।
आज क्या कुछ कार्यक्रम? हाँ, आज सर के दिवंगत होने के उपरांत ये सर का था, करीब 29 साल से उनका हम लोग का छत्र छाया प्राप्त था, कॉलेज परिवार को और स्टूडेंट भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था उनका। उनके गुजरने के बाद एक आहत है, कमी है महसूस हो रही है, और एक जो गाइडलाइंस हम लोग को मिलती थी वो गाइडलाइंस का कमी है। बस यही है कि उनके जो बताए हुए आदर्श हैं उस पर चलना है हम लोगों को, और ये प्रेम ही है कि जो स्टूडेंट आज सामने उनके एक चित्र को बना के प्रस्तुत लाए हैं कॉलेज के लिए, तो ये दर्शाता है कि उनके कितनी बड़ी पकड़ थी, न सिर्फ विद्यालय में बल्कि जितने भी विद्यार्थी हैं सबों के प्रति उनका क्या महत्व रहा। ये कमी हमेशा खलेगी, और सभी पूरा कॉलेज परिवार, जितने भी छात्र हैं, उनके जितने भी बताए हुए रास्ते हैं उसको जरूर आगे बढ़ाएंगे, इतना हमें आश्वस्त हैं इस चीज़ के लिए। करीब 29 साल तक वो यहाँ पर रहे, सेक्रेटरी सचिव के रूप में रहे हमारे यहाँ बीच में। ठीक है, यहाँ पर इस कार्यक्रम आए हैं उसको बहुत बहुत स्वागत, पूरा मंडल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और पूरे प्रदेश में हमारे सभी मंडलों के अंदर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम चला जा रहा है, और अभी बहुत से नए नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, बहुत से नए हमारी कार्य समिति मंडलों में हो रही है, तो इसलिए उनके साथ एक एक दिन में 5-5 सत्र करके 2 दिन में 10 सत्रों में अपने पार्टी की हमारी जो विचारधाराएं हैं, हमारी पार्टी की रीति नीति है, हमारी पार्टी की पंचनिष्ठाएं हैं, किस प्रकार उनसे उनका आचरण होना चाहिए, कैसे उनका क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या उनके दायित्व हैं, क्या कैसे समाज के अंदर एक अमिट छाप बनाएं, और सबसे बड़ी बात तो है कि हम भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुँचाने के लिए हम कार्य करते हैं, तो उसमें हमारी कैसी सशक्त भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं उस पर चर्चाएँ होंगी, जो अभी राज्य सरकार, जो पिछली राज्य के अंदर जो सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, और उसके बाद आज जो सरकार 1 साल से आई है पूरी तरह से फेल है सरकार, हर मोर्चे पर कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। रोजगार के झूठे बहाने बना करके सरकार आई थी रोजगार देने के लिए, लेकिन आज तक एक भी रोजगार नहीं लगा, सारे कार्य ठप है, और आपको ये कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, पीने के पानी यहाँ 5-5 दिन 7-7 दिन से धनबाद को नहीं मिल रहा, बिजली की स्थिति खराब है, तो कैसे हम इस बात को लेकर के लोगों के बीच में जाएं। आज किसान आंदोलन में जो देश के लोग, जो पंजाब और कुछ लोग के कुछ खास लोग जो राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिल करके उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो सच्चाई भी हमको जनता के अंदर लाना है, तो इन सारी बातों पर हम कार्यकर्ताओं को अपने तैयार करेंगे कि जब वे प्रशिक्षण शिविर से आगे निकले तो फिर तेजी से और काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। अब विधायक जी, दूसरा सवाल ये है कि अब 1200 रुपया का काम ज्यादा करना होगा, करना होगा। आप लोग किन मामले में लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पेपर में जो छपा है राज्य सरकार चाहे प्रशासन की तरफ से कि न्यूनतम भाड़ा 6 रुपया लिया जाएगा, हम लोग उसका विरोध करते हैं, और वो जो 10 रुपया हम लोग लोकल भाड़ा चला रहे हैं वही हम लोग मान रखेंगे। अगर जिला प्रशासन इसमें एग्री है तो ठीक है, हम उनसे वार्ता करेंगे, अगर उनके लिए कोई वार्ता नहीं करते हैं, अगर नहीं तैयार है तो हम लोग उनसे कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। आगे आप लोग आगे अगर वो हमारी कार्रवाई, हमारे बात को नहीं मानते हैं तो अभी तो हम लोग उनके लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयारी में है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन करें, चाहे जो भी करना है, लेकिन सोमवार से रात्रि मने इतवार के रात से बंदी के ऊपर हम लोग जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं डीजल 80 रुपया लीटर हो गया है। क्या बंदी कीजिएगा? अपना ऑटो बंद रहेगा, ऑटो बंद करेंगे हम लोग, दूसरा कोई चीज थोड़ा बंद करेंगे, हमारा जो हमारा अधिकार है, हमारा जो चीज है, हम जिस पर गर्व कर सकते हैं हम उसको बंद करेंगे। नहीं मानेंगे तो हम बंद करने के लिए। न्यूनतम भाड़ा कितना चाह रहे हैं? हमारा न्यूनतम भाड़ा लोकल 10 रुपया, लोकल भाड़ा 10 रुपया हम लोग को चाहिए। अगर अगर प्रशासन वो भी बोला है, जैसे उन्होंने अभी पेपर में दिया है कि न्यूनतम मैंने 3 आदमी या 4 आदमी जो उनका सरप्लस तैयारी है, हम उसको मानने के लिए भी तैयार, लेकिन भाड़ा हम तय करेंगे कि हम कितना भाड़ा लेंगे। अगर हम 3 सवारी भी लेके चलेंगे, लेकिन भाड़ा को मैं तय करूंगा कि मुझे कितना भाड़ा लेना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समझे? अपना नाम बताइए। मैं पप्पू सिंह,
टेम्पू चालक हूँ, इसलिए मैं अपने तरफ से अपना दर्द व्यक्त करता हूँ।